कि जो कोको मेलन में हर कुछ सेकंड्स बाद जो स्क्रीन्स चेंज होती है ना, उससे बच्चे का दिमाग जो होता है ना अब सारी चीज सारी ऊपर लग गई है, बहुत आदत हो गई है करने की। तो भाई आज जो है ना मौसम में थोड़ी सी हवा है, वो देखें, वैसे गर्मी भी है लेकिन हवा भी चल रही है और बारिशों का भी है आज, बारिशें भी कभी भी हो सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग और एक नए दिन के साथ मैं हूँ कंजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंजा का आशियाना। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग, मुझे खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हो गया सैटरडे और बाहर का मौसम आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन आज अभी मैं वेदर अपडेट्स देख रही थी तो उसमें बारिशों का है आगे 4-5 दिन, अब कहीं कहीं हो जाती हैं कहीं कहीं नहीं भी होती। बाकी जी आज का कोई नॉर्मल दिन है, लेकिन आज ये कि फैंस जो हैं वो गए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ सिटी, मताफ और जहूर जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मम्मा किचन में है और मैं भी अभी बच्चों से सफाइयों से फ्री होकर तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो आज वाले वीलॉग को यहीं से स्टार्ट करती हूँ, जिससे मेरे पिछले वीलॉग नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके देख ले और लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करवा दिया करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे अपने अपने काम कौन से कामों में लगे हुए हैं और मामा जो हैं वो आज क्या बना रही हैं। तो आज वाले वीलॉग को इधर से स्टार्ट। ये आज खाने में मम्मा बना रही हैं ये मसाला है, अब गैस करें किसका मसाला होगा ये। वैसे ये वाली जो चटनी बनती है ना थोड़ी सी भून के, ये भी बड़ी मज़ेदार बनती है, ये बाबू खाया करते थे ना। और भिंडियाँ ये मम्मा ने फ्राई कर ली हैं ऑयल में, बस अब ये मसाला हो जाएगा तो इसको दम दे देंगे। साथ साथ मम्मा बर्तन धो के ग्लास पहनी है मम्मा ने, यहाँ तो मैं वैसे लेती हूँ, मुझे पैक सही होगी, मुझे मेहंदी से ये ज़्यादा हुई है, देखें ये देखें मम्मा प्रिंटी हो गई है मेहंदी। बहू साहब जो हैं वो यहाँ फिरते फिर रहे हैं, इनको मैंने चिप्स दी हैं, कहाँ इनके चिप्स, ये देखें ये यहाँ रख के और ये रख के चला गया, खा लो। और ये मताफ साहब मोबाइल यूज करते हुए क्या देख रहे हो, बाल ब्लिपी, और ये चिप्स खा रहे हैं, टीवी इनका बंद है। तो जी भाई बात दरअसल ऐसी है कि मैंने इन लोगों का कोको मेलन भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और मोबाइल भी किसी हद तक कम हो ही गया है, लेकिन मताफ़ की एक अच्छी बात यह है कि मताफ़ जो है ना वो ज़्यादा कोको मेलन और इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, वैसे उसकी एज भी ऐसी है, मगर वो शुरू से ही इतना ज़्यादा कोको मेलन और ये चीज़ें नहीं देखता था, क्योंकि भाई बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे वीलॉगर्स ने भी ये बात की। कभी रिसेंटली एक वीलॉगर ने भी अपनी बेटी के बारे में सारी अपनी कंडीशन बताई है, उसकी कंडीशन कि किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हो गया था, मतलब वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करती थी, मतलब अजीब सी कंडीशन हो गई थी और उसको लग रहा था कि उसको सिंड्रोम हो गया कोई। फिर उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं सिंड्रोम नहीं है, आप इसका मतलब कोको मेलन कम करें। और ये मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में और एक दो बार कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई थी उस पर मैंने ये चीज़ देखी थी, मतलब उन्होंने सुनी बताई थी और मैंने सुनी थी कि जो कोको मेलन में हर कुछ सेकेंड्स बाद जो स्क्रीन्स चेंज होती है ना, उससे बच्चे का दिमाग जो होता है ना उस पर असर करती हैं, और इवन हेयरिंग, इवन साइटिंग और इवन मतलब उसके मेंटल लेवल तक हिट करती हैं वो चीज़ें। तो बेहतर यह है कि कम से कम कोको मेलन दिखाया जाए। ये बात इसलिए भी मैं ख़ुद भी ये बात करी हूँ कि मेरे खुद भी बच्चे हैं और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हम कहते हैं बच्चे जी सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि बच्चे जो हैं सीख तो रहे होते हैं लेकिन उस सीखने के चक्कर में जो उनके दिमाग का हाल होता है ना वो ठीक नहीं होता। और मैं भी उसी माँ में शामिल हूँ जो बहुत ज़्यादा कोको मेलन दिखा देती हूँ। जहूक जो है ना जहूक कहता लगाओ लगाओ लगाओ, लेकिन अब मैंने खैर उसका भी कम कर दिया है, पहले भी तो बच्चे मतलब बगैर कोको मेलन वगैरह के मतलब खेलते फूलते ही थे ना, तो अभी भी अगर खेल लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, कोको मेलन नहीं भी देखेंगे। तो कम से कम अपने बच्चों को कोको मेलन दिखाएं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा कि बच्चों के दिमाग का मेंटल और मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस भी बच्चों बहुत जल्दी ले लेते हैं दिमाग, तो उनकी केयर करें और कम से कम कोको मेलन टीवी वगैरह दिखाएँ।
बाकी जी क्योंकि बच्चे जब सोते भी हैं ना तो उनका माइंड एक्टिव रहता है, और ये चीज़ मैंने वाकई धूप में देखी है कि धूप जब सो रहा होता है ना तो क्वैक और ये चीज़ें वो पॉइंट्स उसके दिमाग में चल रही होती हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि पहले ही बच्चों को ये चीज़ें कम कर दी जाए। तो ख्याल रखें अपने बच्चों का भी, और ये मैसेज जो है और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, तो ये मैसेज जो है ये आगे से आगे मतलब आप भी बताएं जो जिनके बच्चे हैं और जो कोको मेलन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं उन लोगों को, और ताकि उनको भी पता लगे कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। अरे भाई हम लोग बना रहे हैं रोटियाँ खाने के लिए, और ये खाने के लिए ना, और इसको आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है किचन के काम करने का। ये बर्तन धोएंगे, कल रोटी बना रहे थे आज ये बर्तन धोएंगे। क्या कर रहे हो ये, इधर देखो, इधर देखो, ओ छू रही है बेटे, ये अब वापस रख रहे, बताओ इधर देखो, बाय नो। कितने काम करोगे, कितने काम करने, इधर देखें तो सही, अभी ढूंढ रहा कोई बर्तन मिले, मुंह देखें इसका, दिखाएं इधर। हाँ इस्ट्रो क्या खाया आपने, स्ट्रॉबेरी एप्पल, तो बर्तन धुल गए, चलो गुड गुड जॉब, बाय बाय। टाइम देख लें क्या हो रहा है, इस टाइम 11:05 है, और मताफ साहब जो हैं जैसे कि उनका 2-4 दिन हो गए हैं वैसे, उसका बहुत दिनों से मुझे कह रहा था 2-4 दिन से कि पिज़्ज़ा, लेकिन क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा हो गया था, तो मैंने उसको 1-2 दिन ज़रा 2-3 दिन जो है ना उसका पिज़्ज़ा और हर चीज़ बाहर की जो थी बंद कर दी थी, जूस वगैरह पी लेता था लेकिन वैसे उसकी ये चीज़ें बंद कर दी थी। तो आज वो कह रहा था कि मैंने उसे पूछा कि क्या खाना है, तो कहता पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा, तो जैसे कि फैस भी नहीं है और मम्मा पापा भी अभी वॉक पे गए हुए हैं, तो फिर मैंने अभी मताफ साहब के लिए जी पिज़्ज़ा और चिकन जो है, बर्गर कह रहा था लेकिन बर्गर खाता खूता कोई नहीं है और मंगा लेता है, तो खैर मैंने उसके लिए चिकन और पिज़्ज़ा जो है ऑर्डर किया है। तो बस अब उन्होंने कहा 15 मिनट्स, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट्स तो हो ही गए हैं, और मताफ साहब को सख्त किस्म की नींद आ रही है, लेकिन मैंने उसे कहा अगर पिज़्ज़ा खाना है तो सोना नहीं है, तो वो इंतज़ार में इधर से उधर फिर रहे हैं और साथ साथ डिलीवरी देख रहा है। तो बस अब जल्दी से टाइम गुजरे और आ जाए जल्दी से पिज़्ज़े वाला मताफ का, और अभी हमने मंगाया अपनी फेवरेट जगह से फ्राई चिक्स। ये मैं ऑर्डर लेने आई थी, और ये बच्चा देखें ये, इसको बहुत जल्दी है ऑर्डर लेने की। चलो भाई ऑर्डर मैंने ले लिया, तो अब मैं इसको पकड़ने आई हूँ। क्या खाना था, क्या खाना था मेरे बेटे ने, यस ये मेरे बेटे का पिज़्ज़ा, ये चिकन, कोक कहाँ रखी है बेटे आपने, और ये मेरे बेटे की कोक जिसमें से दोनों मेरी हैं वैसे, लेकिन फिर भी मिल जाएगी, और ये देखें इसको देखें, चलो खोलो जल्दी जल्दी खोलो खोलो, बाद में देख लेना, जल्दी जल्दी खोलते बेटे, अब सारी चीज सारी ऊपर लग गई। इंतजार कर रहा है वो आपका, हम जो है ना हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा पिज्जा और साथ हमारी कोक और साथ हमारे चिकन, और ये मेरा बेटा जो है इसकी आइसक्रीम भी आ गई है, नाना लेकर आए हैं वॉक करके आए हैं, तो ये देखो इसको बहुत आदत हो गई है करने की, मिर्चें ना भी हो जबकि मिर्चें नहीं है ये भी करेगा, हाँ इसने केचप खानी है, तो बस हम जल्दी जल्दी पिज्जा खाएंगे। बच्चा ये इसको यहाँ रख देते हैं पीछे करके, बल्कि नीचे करके, यहाँ चलो हटो, और ये साहब पहले ही आ गए, हटे बेटे, हम निकालेंगे ये आइसक्रीम, चलो जाओ नाना पास लेके जाओ, चलो जाओ चलो चलो चलो, और इस बच्चे को बस ना मौका चाहिए उतर निकलने का, ये देखिए निकल गया। तो जी जैसे कि अगला दिन हो गया है और संडे है, और ये हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, चाय बन गई है, नान चने मंगवा लिए हैं, मताफ साहब ये एज़ यूजुअल खपाते हुए, और सहूक साहब वो बेड पे बैठे हैं। जी जैसे कि अगला दिन जो है वो हो भी गया है, और आज संडे भी है, और अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी
कर लिया। बाकी जी आज सफाइयों का इतना ज़्यादा काम नहीं था, वैसे दिल भी नहीं कर रहा था, अगर होता भी तो दिल भी नहीं कर रहा था, थोड़ा सा काम था। कल मैं सफाई वगैरह काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से कर ली थी, तो आज से झाड़ू वगैरह ही मारनी पड़ गई। और दूसरा मेरे वैसे भी सर में दर्द और कमर शमर में बहुत शदीद दर्द है। वैसे भी जो मेरे सर में दर्द होना, मेरी ये चीज़ें वैसे ये जो होती है ना, ये कान के सारी बहुत ज़्यादा दर्द करती है। और दूसरा भी दो तीन दिन पहले वो मैं झाड़ू शाड़ू मार रही थी, तो मताब साहब ने खेल खेल में आके ना मेरी कमर पर देख के जब मारा, तो उससे मेरी ना हल्की 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 जो पेन थी वो मतलब के होना स्टार्ट हुई। और कल रात से मेरी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। वैसे भी जहाँ पे आपके एपिडूरल्स रखते हैं न्यू सेक्शन वगैरह के टाइम, वो वैसे भी कहीं कभी ना कभी कुछ मौसम ऐसा आता है तो उसमें आपको वैसे भी पेन्स होती हैं, तो मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन है। बाकी मैंने ये वीडियो कंटिन्यू करना था, लेकिन एक तो मैंने मेडिसिन जो है वो खा ली है और पेन वगैरह की, तो अब मैं ज़रा थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन लास्ट भी दबा दें, बेल के आइकन का बटन भी दबा दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें, और मेरे पिछले वीलॉग्स भी जाके देख लें। तो चलें फिर आज के वीलॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, दुआएँ।